हाँ, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर वही सेवन्थ क्लास का वो चैप्टर हमने पढ़ाया था, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेसिक्स कुछ दिए थे, उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा आगे ले जाते हैं और देखते हैं हम एक्चुअल क्वेश्चन में उसको कहाँ यूज करते हैं। तो प्रीवियसली जो है पुराने वाले क्लास में आपने एक कंक्लूड किया था, एक खुद एक फॉर्मूला आपने क्रिएट किया था, दैट इज इफ इन मल्टीप्लीकेशन वेयर यू वेन यू आर हैविंग द सेम बेस एंड डिफरेंट पावर, just you have to go for this formula, that is again you have to write first that the base is a here and power is to be added. So ye aapke paas conclude hua hai. Aage thoda sa dekhte hain aur aage hum dekhte hain maybe situation is different aapke paas aa jayenge. Hamare paas jaise question, agar example le lete hain hum, kya aise bhi aapke paas question nahi aa sakta hai? Divided by aap divide karte hain 2 raised to power 2, ye bhi situation ho sakti hai, kyunki pehli situation mein aapne jitne bhi question kiye वो रिपीटेड मल्टीप्लाई की थी। यहां भी जो आपके पास है ये रिपीटेड मल्टीप्लाई अलग से है और ये रिपीटेड अलग से है। नाउ बोथ नंबर्स हैज बीन जॉइनड विद अ साइन ऑफ डिवीजन, वहां पे हम मल्टीप्लीकेशन साइन करते थे। मे बी सिचुएशन, ये भी मैथमेटिक्स में आपके पास जितना भी चैप्टर है उसमें काफी ये सिचुएशन है। तो अगर ऐसा आ जाए तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं? जैसे पहले ये चीज थे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, नेक्स्ट हम देखते हैं किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। पहले देखते हैं करते क्या और क्या होता है। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको पढ़ते कैसे और इसको अंडरस्टैंड क्या करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन कहता क्या है, इट इज सिंपली 2 raised to power 3 एंड डिवाइडेड 2 raised to power 2। वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, 2 raised to power 3 डिवाइडेड मीन इज जस्ट डिवाइड इट 2 raised to power 2। इट इज सिंपली 2 हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी टाइम्स, जो पुराने प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि 2 raised to power 3 just indicators you have to multiply this base, this 2, but how many times this is the exponent here, it will tell us how many times you have to multiply this 2, that is 3 times, that is why I have multiplied this 2 by 3 times, divide by how many times we have to multiply it, 2 times exactly. तो क्या किया जाए? आपको पता है कि जैसे आपके पास 5 divided by 5 तो आप करते हैं भाई इसको कैंसिल करते हैं, 5 1 is 5 1 is। इसी तरह अगर आपको सेम नंबर ऊपर और नीचे मिलता है वो भी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है। और बच्चे आप अक्सर ज्यादा गलती यहां पे करते हो, जैसे आपके पास ऐसे में क्वेश्चन देता आप क्या करते हो इसको भी कैंसिल करते हो। नहीं, यहां पे कैंसिल ऐसा नहीं, जब तक ना आप इस ऑपरेशन को हटाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड दीज टू। लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग है, यहाँ मल्टीप्लाई की सिचुएशन, यहाँ आजाद है, हम किसी को भी किसी नंबर के साथ कट सकते हैं अगर वो उसकी टेबल में आता है, मतलब अगर वो जीसीडी बनता है। फॉर एग्जाम्पल 2 और 2 कैंसिल हुआ, 2 और 2 कैंसिल हुआ और फाइनली हमारे पास आंसर आया 2, मीन्स 2 raised to power 1, 1 मीन्स 1 times 2, यू कैन राइट इट एज 2 raised to power 1, दिस सेम एज 2। अब एक्चुअल में देखते हैं हम करते क्या है, कोई इसमें भी रिलेशन है? जैसे हमने प्रीवियस क्लास में रिलेशन एक खोजी और हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे जो आपके पास फॉर्मूला बना, लॉ बना। यहां भी देखते हैं, ये आपके एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने दिखाया अलग से। इसी क्वेश्चन को लेते हैं फिर देखते हैं क्या हमारे पास और कई तरीका है, मेथड है कि आपके पास आंसर वही 2 बचे। देखते हैं वही क्या करते हैं। जैसे पुराने वाले में हमने किया कि सेम बेस, यहां भी सेम बेस है लेकिन वहां मल्टीप्लाई था, यहां डिवीजन है। सेम बेस में से एक ही बेस आप रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास 10 बार भी 2 multiply something 2 multiply something 2 multiply होगा तो हम एक ही 2 ले सकते हैं बिकॉज सेम बेस। और पावर को देख लेते हैं क्या एड करें। अगर एड करता हूं पावर तो 3 plus 2 5 बनता है, हमारे पास पावर 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब हमने ऐड नहीं करना यहां पे, जैसे हम प्रीवियसली हमने ऐड किया। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 minus 2, दैट इज सिंपली 2 raised to power 3 minus 2, दैट इज 1। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन और इसमें काफी रिलेशन है, तो मे बी और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर ये रिलेशन है तो ये सब में आनी चाहिए। अगर एक में ये सेटिस्फाई होता है, 2 में सेटिस्फाई नहीं होता तो हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि आपको क्या करना है कि पावर इसको सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए इसमें तो हो गया, आगे देखते हैं। अभी तक जितने भी हमने किए कि हम खाली न्यूमेरल्स को ले लेते हैं, मे बी आपके पास वेरिएबल्स भी आ सकते हैं ना, वेरिएबल में भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल a raised to power 5 divided by a raised to power 3, और एक एग्जांपल है मेरे पास। क्वेश्चन वही है, सिंपल है, चाहे हमारे पास एक वेरिएबल रहे या हमारे पास एक कॉन्स्टेंट रहे, डजंट मैटर। आपके पास ऑर्डर ये करता है जो पावर आपके पास है, ये इट टेल्स यू, ये आपको कहता है कि भाई यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बेस, व्हाटएवर बी द बेस, इट माइट बी इट मे बी 2 समवेयर, इट मे बी 8 समवेयर, इट मे बी 9 समवेयर, उसे कोई मतलब नहीं है। जस्ट ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कॉन्सेप्ट ए रेज्ड टू पावर 5, व्हाट डज इट मीन,
इट मीन जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई ए बाय हाउ मेनी टाइम्स, इट इज 5 टाइम्स डिवाइडेड बाय मीन यू हैव टू डिवाइड लाइक दिस एंड दिस इज ए रेज टू पावर 3. ए रेज पावर 3 मीन ए इज बीइंग मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स. ये 5 क्यों हुआ, 5 टाइम्स ऊपर और नीचे 3. 5 टाइम मीन पहले का पावर 5 था, मीन यू हैव टू मल्टीप्लाई टू 5 टाइम्स एंड दिस इज 3 यू मल्टीप्लाई जस्ट 3 टाइम्स. सेम प्रोसीजर जैसे 2 और 2 कैंसिल वैसे और ए कैंसिल और ए कैंसिल और ए कैंसिल. तो लेफ्ट में क्या बचा आपके पास, बाकी क्या बचा, जस्ट ए मल्टीप्लाइड बाई ए. तो आपने अभी तक क्वेश्चन किया है और ये पहले वाले में हमने बताया कि अगर 2 को कोई 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 3 बार, तो आप लिखेंगे 2 रेज्ड पावर 3. इसको इतनी बार लिखने से बेहतर है कि एक ही सेटअप में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा. यही तो ब्यूटी है ना एक्सपोनेंशियल की. यहां भी यही बात है, एक चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करने से मीन 2 रेज पावर 3. 4 बार होता 2 रेज पावर 4, 7 बार होता तो 2 रेज पावर 7. सिंपल इज द केस हियर. ए मल्टीप्लाई ए हमारे पास आंसर अभी भी बचा, लेकिन इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ई टू इज स्क्वायर्ड और ए रेज टू पावर 2, इजंट इट. तो ये हमारे पास जो एक्सपेंडेड फॉर्म खोल के हमने किया, इसमें यही रिलेशन हम फिर देखते हैं क्या ये रिलेशन यहां भी सेटिस्फाई होती है कि नहीं, देखते हैं आगे क्या. हमारे पास क्वेश्चन था अभी ए रेज पावर 5 और डिवाइडेड बाई ए रेज पावर 3, आंसर ये आपके पास आना चाहिए, तब रिलेशन सही है. तो हम क्या करेंगे, फिर देखते हैं बेस ए है, बेस ए है मीन सेम बेस, तो ए लिखें, एक ही बेस लिखते हैं, रेज्ड पावर 5 एंड रेज्ड पावर 3. हमने यहां देखा मल्टीप्लाई भी किया था, नहीं मिला, एड भी किया, नहीं मिला. तो हमारे पास जो पहला जो ये हमारे पास एग्जांपल थी, तो एक ही चीज सेटिस्फाई हुआ कि पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लो. तो हम यहां भी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट इज 5 माइनस 3, इट इज जस्ट ए रेज्ड पावर 2 और ए स्क्वायर्ड. यहां भी यही आंसर, यहां भी यही आंसर. इसका मतलब है कि वही कंक्लूजन हमारे पास तो हो गया कि जब भी आपके पास सेम बेसिस हैविंग सम पावर्स, डिफरेंट पावर्स, सेम पावर नो मैटर, जो भी पावर होगा, पावर से मतलब नहीं, मतलब है बेस. देखो हमने पहले वाले कंक्लूजन में देखा बेस सेम है तो हम ये कर सकते हैं, पावर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब सिचुएशन है डिविजन वाली सिचुएशन. तो यहां पर हम कंक्लूजन में ये पहुंचे कि आपको जब भी सेम बेस समथिंग पावर होगा, डिवीजन में होगा, तो आप क्या करना है, आपको जस्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द पावर्स फ्रॉम सेकंड पावर फ्रॉम द फर्स्ट पावर. दिस 2 रेज पावर 3, 2 रेज 2, जस्ट वी हैव सब्ट्रैक्ट दिस 2 फ्रॉम 3. इसी तरह यहां भी हमने किया और हमने देखा कि दोनों ठीक तो है, दोनों सेटिस्फाई हो गए, इसलिए यहां भी एक कंक्लूजन पे हम पहुंचे. वो हमारे पास और एक लॉ बनता है जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बल्कि आप खुद इसको बना सकते हैं. हमारे पास ए रेज पावर एन डिवाइडेड बाय ए रेज पावर एम, दैट इज सिंपली आपने क्या कहा कि सर हमने देखा और हमें पता चला कि इस वाली सिचुएशन में हमने पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है और ऐसी सिचुएशन में आपको ऐड करना है. ये देखना, ये मेन डिफरेंस यही चीज है कि डिवीजन है तो ये चीज होगा, मल्टीप्लाई है तो वो चीज होगा, और कंडीशन इसमें यह है कि बेसिस आपके पास सेम होने चाहिए. तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ दिस कि व्हेन यू आर हैविंग टू नंबर्स सेम बेस ऑफ सेम बेस डिफरेंट पावर्स, यू मे नॉट हैव टू गो लाइक दिस ऑन ए लॉन्ग गो. देखो ए मल्टीप्लाई समथिंग समथिंग, मे बी कई ए रेज पावर 200 होगा, क्या हम 200 बार लिख सकते हैं? 200 बार लिखने में बहुत टाइम लगता है और काफी स्पेस भी लगता है, इसलिए हमें यहां अंडरस्टूटेड है ए हैज बीन मल्टीप्लाइड बाई 200 टाइम्स. क्लियर? आगे देखते हैं. दो हमारे पास चीजें होगी, दो जनरल फॉर्मूलाज आपने खुद बनाए और इसीलिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको क्वेश्चन देने की जरूरत है. इसमें आप 4-5 क्वेश्चन दे सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन इसमें हो सकता है 3 रेज पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज पावर 2. यही आप इधर भी कर सकते हैं 3 रेज पावर 5 इंटू 3 रेज पावर 2. इसको ये वाले मेथड से कर लो, इसको ये वाले मेथड से कर लो, दो लॉज आपके पास है. आप खुद क्वेश्चन बना, कोई जरूरी नहीं है आपके बुक से आप क्वेश्चन ले सकते हो, नहीं खुद बना और खुद कर लो, इसमें डालो और फिर देखो सेटिस्फाई होता है कि नहीं. तो इसलिए ऐसी फॉर्मूलाज को फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको. नाउ वन मोर इज हियर. अब यह कि हमने अभी तक क्या किया कि हमने पावर्स जो है ना, हमने खाली पॉजिटिव पावर्स लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स लिए. मे बी सम सिचुएशन इज हियर कि आपने क्या किया, ए रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई ए रेज पावर माइनस 3. अब नेगेटिव इंटीजर भी तो डाल सकते हैं ना एग्जाम में, ये आपके पास फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी डाल सकते हैं. अब करना क्या है कि आपको खाली अप्लाई करना है. अब ये वाली मैंने देखा, सबसे पहले दो चीजों पर फोकस कर लो,
एक चीज ये चीज कि आपके पास बेस को पहले देखना, अगर बेसिस आपके पास सेम है तब पावर्स में आप देखो, फिर देखो क्या वेदर वी हैव टू ऐड द पावर्स और वी हैव टू सबट्रैक्ट द पावर्स, तो वो डिसाइड करेगा वेदर द टर्म्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। ये क्वेश्चन आपके पास है तो सेम वही बात है कि आप क्या कर सकते हैं, ई रेज टू पावर, दिस इज सेम बेस, पावर टू बी एडेड बिकॉज देयर इज अ मल्टीप्लाई साइन बिटवीन देम, सो 5 + -3 इट इज सिंपली ए रेज टू पावर 5 + -3 दैट इज ए रेज टू पावर 2, सिंपल। तो हमें कोई मैटर नहीं है कि पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम वैसे ही कर सकते हैं। अब नेगेटिव पावर जो है ना, अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने लिया कैसे ये नेगेटिव पावर, फिर क्या क्या देखो ये अंडरस्टूड है। अगर मैं आपको कहूं बेटा ये आप बताइए 7 raised to power 3 है, दिस इज सिंपल एंड अंडरस्टूड टू यू पीपल दैट जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बेस 7 बाय हाउ मेनी टाइम्स, 3 times। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीज अंडरस्टूड है, भी 7 को माइनस 3 times में मल्टीप्लाई करो, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई सेंस है, तो हम नहीं कर सकते ना ऐसे। इसलिए इस माइनस पावर को हम जब तक ना पॉजिटिव बनाएंगे तब तक हमारे पास सेंस नहीं आएगी। इसको अंडरस्टैंड करने में बड़ा डिफिकल्ट है कि कैसे होगा। अब देखते हैं क्या इस 7 raised to power 3 - 3 जो है, क्या इसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं, ताकि अगर ये पॉजिटिव बन जाता है तो हमारे पास इजी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए इजी अंडरस्टैंडिंग है, 5 raised to power 5 - मल्टीप्लाई दिस 3 by 5 times। हाँ, अब अगर 7 raised to -3 है तो मुझे खुद पता नहीं चलता है कि भी करना क्या है इसको, माइनस थ्री क्या मतलब है, कितने बार माइनस थ्री बार। इसलिए इसको पहले पावर पॉजिटिव बनाना है और फिर हमें अंडरस्टूड हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आप इसको ऑब्जर्व कर लो। अगर आपके पास है से 5 raised to power 2, किसी भी चीज को, किसी भी न्यूमरल को, मान एग्जाम 2 हमारे पास है, अगर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज द लॉ ऑफ मैथमेटिक्स। कैसे, जैसे 3 multiplied by 3 कर लो, भाई मल्टीप्लाई भी कर रहे हो और डिवाइड भी कर रहे हो, क्या होगा, आपकी मर्जी है भाई सर, 3 और 3 फिर कैंसिल करेंगे, फिर वही 2 बना, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 2 multiplied by 5 divided by 5 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख सकते हैं 2 5 are 10 divided by 5, फर्क नहीं पड़ा। फिर 2 आपके पास खाली 2 था, ये 2 आना चाहिए, ये डिस्टर्ब ना होना चाहिए, 2 का वैल्यू 3 नहीं आना चाहिए, और -2 5 5 6 8 10 नहीं बनना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी चेंज द वैल्यू ऑफ 2। अगर यहां भी आप कर सकते हैं 5 1 5 2 10 अगेन सेम 2। सो यहां भी हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी किया जाए और उसी नंबर को डिवाइड भी किया जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई फर्क मैथमेटिकल इस नंबर पे नहीं पड़ता, वैल्यू पे नहीं पड़ता है। सेम चीज यहां भी हम थोड़ा सा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2 multiplied by 4 है, डिवाइड बाई 4 करते हैं। अब चूंकि हमारा पास चैप्टर है कौन सा, एक्सपोनेंशियल है, तो कोशिश करना जहां भी आपके पास कोई भी नंबर पड़े उसको इस फॉर्म में डाल दो, क्योंकि आप ये कर रहे हो ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर रहे हो। अगर इसमें भी हम ऐसे 4, 10 वगैरह लिखेंगे तो मुझे नहीं लग रहा उसके साथ कोई इंसाफ होगा। इंसाफ ये चीज है कि हम इसको इस फॉर्म में लाना है, तो हम सिंपली इसको क्या कह सकते हैं, 2 multiplied by 4 is actually 2 into 2, मतलब यह है कि आप 2 को मल्टीप्लाई करते हो 2 raised to power 2, isn't it? ये फॉर्म ये है 4 into 4, उसी 4 को मैंने 2 into 2 किया, उसी को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दिया, अभी अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल किया वही 2 बचा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। ये इसलिए आपको थोड़ा सा इस कंसेप्ट का फिर थोड़ा सा स्ट्रांग बनाया, इसलिए ताकि आप अब ये चीज जो है, ये कंसेप्ट जो है, इसको हम यूज करेंगे, ये आपको हेल्प करेगा उस चीज के लिए जो मैंने अभी आपके पास एक क्वेश्चन दिया था, भाई हो सकता है आपके पास 7 raised to power -3, आप इसको क्या करोगे, तो देखिए इसको क्या करते हैं। मैं कैसे करता हूं 7 raised to power 3 और फिर डिवाइड बाय 7 raised to power 3, क्या कोई फर्क पड़ता है इसे, बिल्कुल ही नहीं पड़ता। और एक चीज इससे पहले थोड़ा सा और एक चीज डिस्कस करते हैं, Maybe you have 2 raised to power 2 divided by 2 raised to power 2, ऐसा भी सिचुएशन आ सकती है ना, ये आपके पास जनरल फॉर्म है, दैट इज 2 raised to power 2 - 2, दैट इज सिंपली 2 raised to power 2 - 2, दैट इज 0। आज तक आपने खाली याद रखा सर एनीथिंग समथिंग रेज पावर 0 दैट इज 1, वी सम एनीथिंग एनीथिंग रेज पावर 0 कह सकते हैं, बिकॉज कोई आपके पास क्वेश्चन होंगे या पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि वो सर क्या 0 raised to power 0 भी होगा, 0 मीन नथिंग, मैं कह रहा हूं एनीथिंग, एनीथिंग मीन विच हैव सम वैल्यू,
तो इसलिए ये शब्द नहीं पकड़ना आप, टू रेज पावर जीरो मीन समथिंग रेज पावर जीरो। तो देखते हैं ये जीरो, टू रेज पावर जीरो एक्चुअली किसके बराबर है। मेरे पास एक्चुअल क्वेश्चन था टू रेज पावर टू डिवाइड बाई टू रेज पावर टू। ये जीरो कहां से आया, ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस डिवीजन। तो ये एक्चुअल करता हूं, मैंने इसी को यहां पे लाया, एक्चुअल कर रहा हूं, दैट इज सिंपली टू मल्टीप्लाइड बाई टू, अगेन टू रेज पावर टू मीन इज टू मल्टीप्लाई टू, अगेन कैंसिल वन इज आर वन इज आर, अगेन वन इज वन इज आर वन। अब ले सकते हैं इस चीज को, आप तो कह सकते हैं ना भाई एनी थिंग मीन इज टू रेज पावर जीरो दैट इज वन। कोई नहीं, और एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं आपको ताकि आप इसको सही से आप देख लो कि भाई क्या होता है एक्चुअली। थ्री रेज पावर फाइव और डिवाइड बाय करते हैं थ्री रेज पावर फाइव, सेम बेस और सेम पावर है हमारे पास। तो क्या किया जाए, अगर फॉर्मूला से किया जाए तो हम ये लिखेंगे बेस एंड पावर टू बी सब्ट्रैक्ट, क्लियर वन साइड, ये हमें डायरेक्ट फॉर्मूला से। लेकिन एक्चुअल मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है थ्री रेज पर फाइव बाई थ्री रेज पर फाइव, बेस इज सेम एंड पावर और ऑल्सो सेम, हियर सिचुएशन इज डिफरेंट हियर। द वॉट हैपन्स फर्दर, इट इज थ्री रेज पावर फाइव माइनस फाइव दैट इज जीरो। अब ये किसके बराबर आता है, थ्री रेज पावर फाइव मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई थ्री हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज फाइव टाइम्स, एंड अगेन थ्री रेज पावर फाइव यू हैव टू डिवाइड द सेम थ्री बाय हाउ मेनी टाइम्स, अगेन बाय फाइव टाइम्स। ये कैंसल हुआ, थ्री वन इज थ्री वन इज थ्री वन इज थ्री वन इज, तो आंसर क्या है वन। सो एक कंक्लूजन पे हम आए, एनीथिंग रेज पावर जीरो दैट इज वन, और एक फॉर्मूला हमारे पास बना। और आपको देखा कि भाई हर एक सिचुएशन में फिट होता है, तो अगर ये सेटिस्फाई इस चीज को करता है तो हम इसको फॉर्मूला शक्ल में ले लेते हैं। तो कभी भी जैसे थ्री रेज पावर फाइव हम लिखते हैं ना, इसका जनरल फॉर्म है ना ए रेज पावर है, ए मीन्स एनी बेस, कुछ भी हो सकता है भाई, थ्री हो सकता है, सेवन नाइन इलेवन वट एवर, ये एक्चुअली रेशनल नंबर भी हो सकता है भाई, वाई नॉट सेवनटीन बाई थ्री भी हो सकता है रेज पावर फाइव, मीन्स दिस इज दिस होल इज बेस सेवनटीन बाई थ्री एंड दिस इज पावर हियर फाइव। So, 3 रेज पावर 5 या 17 बाई 3 रेज पावर 5 या 3 स्क्वायर, इसको जनरल फॉर्म में हम कैसे डालते हैं, ए रेज पावर एन, बिकॉज ए रिप्रेजेंट इज योर बेस एंड दिस इज एन इज एक्सपोनेंट, मीन्स एन टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस ए, सेम इज द केस हियर, एनीथिंग रेज पावर 0, वो हमने फॉर्मूला लगाकर किया कि भाई बेस इज सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इन केस ऑफ ए डिविजन, सो वी गॉट 3 रेज पावर 0, बेस सेम। और एक्चुअल में जब हमने किया 1 आया, तो अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, हम तीसरा वाला फॉर्मूला आपने देखा कि हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई एनीथिंग मीन्स ई रेज पावर जीरो दैट इज वन। अब सिचुएशन कहीं भी आपके पास ये वाली सिचुएशन आए, ये वाला क्वेश्चन आपके पास आए, फॉर एग्जांपल थ्री रेज पावर जीरो किसके बराबर लिखो भाई, वन सर, एनीथिंग रेज पावर जीरो, हंड्रेड थाउजेंड रेज पावर जीरो सर वन, ए रेज पावर जीरो सर वन, x रेज पावर जीरो दैट इज वन, कुछ भी हो रेज पावर जीरो है, इट्स एक्चुअल वैल्यू इज वन। तो ये आपके पास और एक फॉर्मूला पे हम पहुंच गए। फर्दर देखते हैं, हम फर्दर और भी करते हैं, देखते हैं कि माइनस से क्या मतलब है, जो मैं एक्चुअली डिस्कस करने जा रहा था आपके लिए। लो हम क्या करेंगे, ये है थ्री रेज पावर माइनस टू से इट। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी समझाया भाई, एक किसी भी नंबर को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और किसी भी नंबर को डिवीजन करें सेम नंबर से ऊपर और नीचे, तो वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहां भी वैसा ही करने जा रहा हूं मैं, ये हमारे पास थ्री रेज पावर माइनस टू है, इसको मैं थ्री रेज पावर टू डिवाइड बाई थ्री रेज पावर टू, एक्चुअली आई व्हाट आई एम डूइंग हियर दैट इज थ्री स्क्वायर मीन थ्री मल्टीप्लाई थ्री दैट इज नाइन, नाइन डिवाइड बाई नाइन करता हूं, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई फर्क है, ए को नाइन बाई नाइन से कर लो मल्टीप्लाई, कैंसिल हुआ फिर ए आया, इसलिए यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जस्ट वही अप्लाई द जनरल रूल्स हियर, तीन रूल तो आपने किए वही वाले रूल में इसको अप्लाई करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस थ्री रेज पावर माइनस टू थ्री रेज पावर प्लस टू, तो बेस तो सेम है ना, आइडेंटिफाई कर लो बेस सेम है सर, पावर टू बी एडेड दिस इज माइनस टू, देन यू गो फॉर दिस प्लस टू डिवाइडेड बाय अगेन थ्री रेज पावर टू, दिस इज सिंपली थ्री रेज पावर माइनस टू एंड प्लस टू, बस जीरो होगा ना, प्लस टू एंड माइनस टू दैट इज ऑलवेज जीरो। तो यहां पर हम लिखेंगे थ्री रेज पावर माइनस टू प्लस टू दैट इज जीरो डिवाइडेड बाय थ्री स्क्वायर,
इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यहां पर देख लीजिए, अभी आपने देखा 3 रेज पावर 0 मीन्स एनीथिंग रेज पावर 0 दैट इज 1 बाय 3 स्क्वायर। ये किससे मिला हमें, ये मिला क्वेश्चन हमारे पास था 3 रेज पावर माइनस 2। इसका मतलब यह है कि जब भी आपके पास पावर जो है नेगेटिव में होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, उसका रेसिप्रोकल, उसका ऊपर से नीचे या नीचे वाला ऊपर करने से हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव पावर आता है। दिस द रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंड विद ए पॉजिटिव पावर। सो हम क्या करते हैं, 3 रेज पावर माइनस 2 दैट वुड बी 1 बाय 3 स्क्वायर, इजंट इट। इफ यू हैव अ 5 रेज पावर माइनस 2 दैट वुड सिंपली 5 रेज पावर प्लस 2 प्लस पावर, ऊपर माइनस था नीचे करके प्लस बनता है। सेम इज द केस हियर, अब नीचे है आपके पास 3 रेज पावर माइनस 2, इसको ऊपर लाओ तो ये बनेगा 3 रेज पावर प्लस 2। सेम लॉजिक, वही सब चीज है, मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से तो आपको ये आया, उसी को सेम नंबर से किया तो आपको ये वाला रिजल्ट आ जाता है। तो क्या किया हमने कि भी किसी की नेगेटिव पावर जब किसी भी इंटीजर किसी भी नंबर का होता है तो उसको पावर पॉजिटिव बनाने के लिए उसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है। अब तो अंडरस्टूड है ना, पहले जो मैंने बताया आपके पास कि 3 रेज पावर माइनस 2 माइनस 2 बार बाई माइनस 2 टाइम मल्टीप्लाई 3 को, तो दिस इज बियॉन्ड दैट अंडरस्टैंडिंग, मुझे वो सोचने से और बाहर है। इसलिए हमने क्या किया, इसी को हमने किया डिवाइडेड बाय 3 रेज पावर प्लस 2 है। अब तो यहां मुझे पता है एक्चुअली व्हाट हैपन हियर, अब मुझे आराम से हो सकता है कि 1 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर मीनिंग 3 को सर दो बार मल्टीप्लाई करो तो आंसर वुड बी 1 बाय 9, वेरी सिंपल। लेकिन यहां इसलिए सबसे पहले जहां भी ये सिचुएशन आपके पास आती है कि एनी बेस और एनी नंबर हैविंग नेगेटिव पावर जस्ट चेंज इट इनटू पॉजिटिव पावर सो दैट यू कैन कैलकुलेट इट फर्दर। जैसे हमें मेरे पास कैसे करता कि भाई 9 आता 1 बाय 9 नहीं मिला, तो फिर मैंने एक फॉर्मूला बनाया आपके पास कि भाई इसको नीचे करके पॉजिटिव पावर आता है, तो उसको हम इजिली हम 3 स्क्वायर होगा 3 दो बार कर लो, 3 क्यूब्ड होता तो 3 को 3 बार कर लेते। तो अब यहां पर फिर एक कंक्लूजन पे हम आए कि जब भी आपके पास ए रेज्ड पावर माइनस एन हो, ये वाला क्वेश्चन में लेकर 3 रेज पावर माइनस 2 इसको कैसे बनाया, 1 बाय 3 रेज पावर प्लस 2 अब आया, तो 1 बाय मीन रेसिप्रोकल आएगा इसका ए रेज पावर प्लस एन। तो ये हमारे पास कंक्लूजन हो गया, और एक फॉर्मूला इस पे दाग देते हैं फिर, तो 3 हो गए अभी ये वाला एक, और एक फॉर्मूला आया आपके पास ए रेज पावर, चलो यहां लिख लेता हूं ए रेज पावर माइनस एन दैट्स ऑलवेज 1 बाय ए रेज पावर एन, और इसी का वाइस वर्सा, जैसे 1 बाय ए रेज पावर माइनस एन वो ऊपर होगा ए रेज पावर एन डिवाइड बाय 1, 1 लिखा नहीं जाता है नीचे, तो ये चलेगा ऐसे। अभी तक ये फॉर्मूलाज हो गए, अब हम फर्दर देखते हैं फर्दर और क्या हमारे पास फॉर्मूला बन सकते हैं, ए रेज पावर 0 एनीथिंग रेज पावर 0 दैट इज 1, ए रेज पावर माइनस एन सब कुछ आ गया। अब अगर हमारे पास एक सिचुएशन बनती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2 रेज्ड पावर 2 होल रेज्ड पावर 5, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी आपके पास आगे एग्जाम्पल मिल सकते हैं। तो क्या है कि पावर का पावर है, आप पहले तो सिंपल सा होता था भाई 5 रेज पावर 7 मीनस एक पावर होता था 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 5 को, अब यहां पे पावर का भी पावर है, तो इसको देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि 2 स्क्वायर रेज्ड पावर 5, पहले अंदर 2 जो है आपके पास क्या करना है, या ऐसे भी आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर को सर कितनी बार करना है, जैसे 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 7 टाइम्स। अब यहां पे वही क्वेश्चन है, ये पूरी बेस आपकी मान लीजिए इस 2 स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर लेकर बेस मानते हैं, इस पूरी बेस को हमने हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, सिंपल। सो यू हैव टू राइट लाइक दिस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, ये कितनी बार आया 1 2 3 4 5, क्लियर। अब ये तो एक्चुअल हुआ, अब देखते हैं एक्चुअल में आंसर क्या बनेगा, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्लियर। या यहां पे हम फिर वो फॉर्मूला पे आते हैं, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल करते हैं इसलिए इसको फिर उसी में डाल दो, सेम बेस है 2 हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय सो मेनी टाइम्स। अब इसको भी खोलते हैं 2 स्क्वायर मीनस 2 दो बार, ये जो है 2 स्क्वायर मीनस 2 को 2 टाइम्स अगेन, फिर आपके पास 2 हैज स्क्वायर दैट इज अगेन 2 टाइम्स, अगेन स्क्वायर अगेन 2 टाइम्स, अगेन स्क्वायर अगेन 2 टाइम्स।
तो देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका बना क्या, बेस तो सेम है ना, एक ही टू है, वो पावर क्या लगेगा यहाँ पे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टू रेज पावर 10, एक्चुअल हमारे पास था 2 raised by 2 whole raised by 5, क्या ये सेम नहीं है, 2 raised power 2 multiplied by 5, दैट इज सेम 2 raised power 10, isn't it same? तो ये रिलेशन बना। अब क्या करते हैं, जब भी पावर का पावर हो तो पावर्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई करो, जो इसने मुझे दिखाया कि भाई ऐसा करना पड़ेगा आपको। तो हमारे पास एक फॉर्मूला फिर से बना, तो इसको भी हम जनरलाइज करते हैं कि भाई पावर का पावर जब हो तो तब क्या करना पड़ेगा, सिंपल ए रेज टू पावर एन रेज टू पावर एम, मीन्स हैविंग सम बेस रेज पावर समथिंग एंड होल रेज पावर समथिंग, दो पावर है इसके पास। तो लिखा जाए ए रेज पावर एन मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज यूर वन मोर लॉ, कोई याद करने की जरूरत नहीं, डाल दो क्वेश्चन और इसमें कर सकते हैं आप। तो देखते हैं इसमें और क्वेश्चन हमारे पास जैसे आएंगे, 2 raised by 5 whole raised by 3 क्या करेंगे, अलग अलग से करेंगे ना। अब मेरे पास फॉर्मूला है, कह रहा है कि कोई भी बेस आपके पास हो, उसका कुछ भी पावर हो, 5 है होल रेज पावर और एक पावर हो हमारे पास है, तो कैसे लिखना है, वो ऐसे लिखना है, बेस लिखो, बेस इज 2 हियर एंड What happens to the power is just you have to multiply the two powers. That is here 5 multiplied by 3. Isn't it? That is simply 2 raised power 50. ये आपके पास और एक फॉर्मूला बना। तो बच्चे आगे हम क्या देखते हैं कि आप बताइए ये फॉर्मूला जो है बेटा क्या हम अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चन में। ये लो देखते हैं हम एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम देखते हैं कि जहां पे आपको रिविजन हो जाएगा सभी चीजों का। हमारे पास क्वेश्चन है 2 raised by 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised by 3 होल रेज पावर 3 डिवाइड बाई 2 raised by 5। एक बड़ा क्वेश्चन मैंने दे दिया 8th class के cdl.com, लेकिन अगर आपको इन पे नजर है तो आप एकदम कर सकते हो, एक मिनट में कर सकते हो। चले इसका क्या करते हैं, माइनस भी रखता हूं ताकि सब इसमें आ जाते हैं। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जस्ट सी द बेसिस एंड पावर एंड व्हाट साइन इज बिटवीन देम, ऑपरेशन साइन कौन सी है, मल्टीप्लाई है, डिविजन है, व्हाट इज इट। इसको हम ऐसे करते हैं बेटा, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर देखा जाए, ब्रैकेट के अंदर 2 और 2 सेम बेस है, इनकी पावर्स भी है, ऐड कर लेते हैं कि कोई मल्टीप्लाई है, सेम बेस पावर ऐड किया जाता है, तो कर लेते हैं 5 plus minus 3 ऐड। अब ये होल रेज्ड पावर 3 फिर डिवाइड बाय 2 raised by 5, इसके साथ फिलहाल नहीं छेड़ना जब तक हमारे पास अंदर का ऑपरेशन खत्म हो जाता है। तो फिर देखते हैं ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2, अब 5 plus minus minus, जैसे नहीं आप देखते हैं 5 plus minus 3 कैसे करते हैं, 5 plus minus minus 3 दैट इज 5 minus 3 is 2। तो यहां पे आया भाई 5 minus 3 that is 2, और अभी भी होल रेज पावर 3 फिर डिवाइड बाय 2 raised by 5। अब बच्चे यहां पे मुझे बताइए, फिर एक ये फॉर्म आया ना आपके पास, समथिंग हैविंग सम पावर रेज पावर समथिंग, तो इसको कैसे करते हैं, ये आपको कहेगा, ये आपको गाइड करेगा, वही बेस लिखो, सेम बेस हमने लिखा, आप क्या करोगे भाई पावर्स को मल्टीप्लाई करो, लेट वी मल्टीप्लाई द पावर दैट इज सिंपली 2 into 3, और बाहर आपके पास है 2 raised by 5। इस क्वेश्चन को इधर दिखाता हूं मैं थोड़ा सा, तो 2 raised by 5 नाउ जस्ट गो फॉर मल्टीप्लीकेशन, 2 3s are 6 एंड लास्ट टर्म इज हियर 2 raised by 5। अब हम इन दो को देख सकते हैं भाई, और एक आपके पास और एक फॉर्मूला और एक लॉ यहां पर अप्लाई होता है, नाउ से हैविंग सेम बेस बट ऑपरेशन साइन इज डिविजन हियर, सो वी हैव, सो यू हैव टू अप्लाई दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला, दिस सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला। व्हाट इट सेज, इट सेज दैट व्हेन यू हैव अ सेम बेस एंड डिफरेंट पावर्स और सेम पावर्स मे बी देयर, जस्ट यू हैव टू गो राइट ओनली वन बेस राइट हियर 2 एंड गेट द पावर सब्ट्रैक्टेड, इट इज 6 minus 5, सिंपली 2 raised by 6 minus 5 is 1, तो ये खाली 1 है, इस 1 के बराबर। तो इसलिए बच्चों आपके पास जो बाकी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि पूरी एक्सरसाइज जो भी आपके पास, आपको ये सब चीज दिमाग में लेकर आपको एक्सरसाइज का पेज खोलना है और शुरू करना है। तो मैं श्योर है कि मेरे ये I am very much sure कि पूरी एक्सरसाइज में आपको कहीं डिफिकल्टी नहीं आएगी और इस पूरे चैप्टर को ही आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर टाइम आया तो फिर कभी क्लास में और एक चैप्टर लेकर आते हैं। थैंक यू वेरी मच।